ओके माय डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास सेवन्थ, हाउ आर यू बेटा? आई होप यू ऑल विल बी फाइन। सो इन दिस सेशन वी वुड गो एंड डिस्कशन द चैप्टर नंबर 14, वेयर वी वुड डिस्कशन इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफेक्ट। सो विदाउट एनी वेट, लेट्स लुक। यू माइट हैव ट्राइड द गेम हाउ स्टडी इन योर हैंड्स सजेस्टेड इन चैप्टर नंबर 12 ऑफ क्लास 6। इफ नॉट यू मे ट्राई टू आउट नाउ। आपने सबसे पहले जो है चैप्टर नंबर 12 क्लास 6 का देखी, उसके बाद यदि आपने नहीं देखा तो अभी देखी। इफ़ नॉट यू मे ट्राई इट नाउ। पहली एंड बूजो हैड आल्सो सेट अप द गेम बाय कनेक्टिंग एन इलेक्ट्रिक सर्किट एस शो इन द क्लास नंबर क्लास 6। तो क्लास 6 में बूजो और पहली ने एक इलेक्ट्रिक सर्किट तैयार किया था सजेशन के थ्रू, और कनेक्ट किया गया था उनको, और वो उसके थ्रू जो है गेम डिप बनाए थे। दे हैड लॉट्स ऑफ फन ट्राइंग इट आउट विथ देयर फैमिलीज एंड फ्रेंड। और वो उनको बहुत मज़ा आया था जब उसका यूज़, उसका इम्प्लीमेंटेशन जब वह अपने दोस्तों के साथ और अपने फैमिली के साथ किए। दे इंजॉय इट सो मच दैट दे डिसाइड टू सजेस्ट इट टू ए कज़न ऑफ देयर हु स्टे इन अ डिफरेंट टाउन। और उसके बाद वो इंजॉय करने के साथ साथ उन्होंने डिसाइड किया और इसको अपने कज़न के साथ जो है खेलने के लिए भी सजेशन दिए, जो उनके अलग अलग शहरों में उनके कज़न जो रह रहे थे। पहली मेड अ नीट ड्राइंग शोइंग हाउ द वेरियस इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स वर टू बी कनेक्टेड। और जो पहली है वह बनाती है नीट एक ड्राइंग बनाती है और शो करने की कोशिश करती है कि किस तरीके से जो इलेक्ट्रिक कंपोनेंट होते हैं वह कनेक्टेड रहते हैं। ओके, तो यहाँ एक चीज़ आप देख पा रहे होंगे कि एक तरीके का गेम है। इस गेम पे जैसे ही जो की है बेटा, वह की जैसे ही कनेक्ट होती है वायर से तो बल्ब ग्लो करने लगता है। मतलब कि उसको इस तरीके से मूव करनी है या धीरे धीरे मूव करती जानी है कि आपका जो बल्ब है वह ग्लो ना करे, तब आप कंपटीशन को जीत जाते हैं। लेकिन मैनी टाइम्स ऐसा होता है कि जो स्ट्रेट लाइन पे वायर्स दिए गए हैं वो स्ट्रेट लाइन पे ना हो करके कुछ टेढ़ी मेढ़ी या जिगजैग मोमेंट में रहते हैं। ओके, तो इस गेम को आप जो है एक तरीके से गेम को आप अपने कजिन्स के साथ, अपने फैमिली मेम्बर के साथ और इवन योर फ्रेंड्स के साथ जो है आप इसको खेल सकते हैं। ओके, कैन यू ड्रा दिस सर्किट कन्वेंटली? इट मेड बूझो वंडर इफ देयर वॉज अ ईजियर वे टू रिप्रेजेंट देयर इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट। ओ जो है यहाँ क्या आप ऐसा ड्रा कर सकते हैं, बना सकते हैं क्या? और जो बूझो है वह बड़ी उसको अच्छा लगता है इस कंपोनेंट्स, इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स के रिप्रेजेंटेशन पे। तो नेक्स्ट देखते हैं, सिंबल ऑफ द इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट। अब हम पर लोग देखते हैं कि इसके सिंबल किस तरीके से डिसाइड किए जाते हैं, सिंबल क्या होते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स के तो सम कॉमन इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल। कुछ इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स होते हैं जिसको अपन लोग रिप्रेजेंट करते हैं सिंबल के थ्रू। इन द टेबल नंबर 14.1 सम इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट एंड देयर सिंबल आर शो। जो एक इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है कुछ और उसके सिंबल्स को वहाँ शो किए गए हैं। यू मे कम अक्रॉस डिफरेंट सिंबल फॉर दिस कंपोनेंट इन डिफरेंट बुक्स। और जो अलग अलग बुकों में इन सिंबलों के बारे में अलग अलग कुछ चीज़ें बताई गई हैं। हाउ यू आर इन दिस बुक वी सेल बी यूजिंग द सिंबल सो हेयर। और अपन लोग इस बुक में वही सिंबल यूज़ कर रहे हैं जो यहाँ शो किए गए हैं। लेट्स इज द सिंबल केयरफुली इन द सिंबल ऑफ फॉर इलेक्ट्रिकल सेल नोटिस द देयर इज द लॉन्गर लाइन एंड ए शॉर्टर बट थिकर पैरेलल लाइन। तो यहाँ कुछ लाइनें दी गई हैं जो लॉन्गर हैं, शॉर्टर हैं, कुछ थिकर हैं और कुछ पैरेलल में हैं। डू यू रिकॉल दैट एन इलेक्ट्रिक सेल हैज़ अ पॉजिटिव टर्मिनल एंड अ नेगेटिव टर्मिनल। क्या आपने कभी इसके बारे में सुना है या बातें की हैं कि जो इलेक्ट्रिक सेल होती हैं वह पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल उसमें शामिल रहते हैं। इन द सिंबल ऑफ द इलेक्ट्रिकल सेल द लॉन्गर लाइन रिप्रेजेंट द पॉजिटिव टर्मिनल। और जो इलेक्ट्रिकल सेल होते हैं बेटा उसमें जो लॉन्गर लाइन है वह पॉजिटिव टर्मिनल को शो करता है, और शॉर्टर लाइन और थिकर लाइन जो है किसको रिप्रेजेंट करता है, नेगेटिव टर्मिनल को शो करता है। फॉर अ स्विच द ऑन पोजिशन एंड द ऑफ पोजिशन आर रिप्रेजेंटेड बाई द सिंबल एस शो इन द फिगर। जो स्विच ऑन और स्विच ऑफ के जो पोजिशन दिए गए हैं वह रिप्रेजेंट करते हैं सिंबल को किसके, की के। द वायर्स यूज टू कनेक्टिंग दिस वेरियस कंपोनेंट्स इन सर्किट आर रिप्रेजेंटेड बाई लाइन। और जितने भी वायर यूज किए गए हैं इन अलग अलग इलेक्ट्रिकल और वेरियस कंपोनेंट्स को कनेक्ट करने के लिए सर्किट में, तो उनको अपन लोग लाइन से ड्रा किए हैं। इन टेबल नंबर 14.1 अ बैटरी एंड इट्स सिंबल आर आल्सो यूज। और जो 11.1 का जो फिगर है उसमें बेटा एक बैटरी भी यूज़ की गई है और बैटरी का सिंबल भी यूज़ किया गया है, आप यहाँ देख सकते हैं ये वाला। ठीक है,
और कंपोनेंट्स उसको अच्छे से शो किया गया है। डू यू नो हाउ व्हाट इज़ अ बैटरी, आपको क्या पता है कि बैटरी क्या होते हैं? लुक एट द सिंबल ऑफ द बैटरी, कैन यू मेक आउट व्हाट अ बैटरी कुड बी? फॉर सम ऑफ द एक्टिविटी वी मे नीड मोर देन वन सेल्स, सो वी कनेक्टेड टू और मोर सेल टुगेदर एज अ सो नंबर फिगर 10.12.2। अपन लोग बैटरी क्या है ये नहीं जानते, तो आप जो है देखेंगे नेक्स्ट वाले जो फिगर्स हैं, जो स्ट्रक्चर्स हैं, उसमें एक से दो अलग अलग सेलों को आपस में जोड़ करके बैटरी किस तरीके से बनाई जाती है, तो उसको अपन लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करेंगे। तब तक आप सब सलामत। माय डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास 7th, हाउ आर यू बेटा? आई होप यू ऑल विल बी फाइन। सो हेयर वी वुड डिस्कशन इन दिस सेशन द सिंबल फॉर द सम इलेक्ट्रिकल सर्किल कंपोनेंट्स। कुछ इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट सर्किट के कंपोनेंट्स में हम इनके सिंबल को रिप्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे। ओके, तो सबसे पहले यहाँ आप देख पा रहे होंगे इलेक्ट्रिकल सेल। इलेक्ट्रिकल सेल को जो हम लोग ड्राइंग करते हैं या ड्राइंग लाइन बनाते हैं, तो इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं जो इसका सामने सिंबल दी गई है। इलेक्ट्रिकल बल्ब को इस तरीके से शो करते हैं। स्विच ऑन और स्विच ऑफ की पोजिशन को इस तरीके से शो करते हैं। स्विच इन ऑफ पोजीशन को इस तरीके से शो करते हैं। ठीक है, स्विच ऑन की पोजीशन क्या है, स्विच ऑफ की पोजीशन क्या है, इस तरीके से शो करते हैं। ये है बैटरी का सिंबल जो आप देख पा रहे होंगे, और नीचे सबसे नीचे जो सिंपल या स्ट्रेट लाइन पे अपन लोग शो करते हैं, उसको अपन लोग वायर्स कहते हैं। ठीक है, चलिए। द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ वन सेल इट इज़ कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द नेक्स्ट सेल, सच ए कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सेल इट इज़ कॉल्ड बैटरी। तो यहाँ बोला गया है कि बैटरी क्या है, तो बैटरी में क्या बोलेंगे कि एक सेल का पॉजिटिव टर्मिनल दूसरे सेल के नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्टेड रहता है, और इस तरीके से लंबी कॉम्बिनेशन को क्या बोला जाता है बेटा, बैटरी बोला जाता है। ओके, इस तरीके की लंबी कॉम्बिनेशन को बैटरी बोला जाता है यहाँ तक। ठीक है, तो इस बैटरी में किस तरीके से शो किया गया है यहाँ देख सकते हैं आप। इसमें एक अलग अलग फिगर दिए गए हैं 14.2 का ए और बी, तो दोनों में कुछ में दो सेलों का कॉम्बिनेशन है, कुछ में चार सेलों का कॉम्बिनेशन है, कुछ में चार सेलों का कॉम्बिनेशन है, लेकिन ये सारे सेल्स जो हैं एक बैटरी का नेगेटिव चार्ज, दूसरे बैटरी के पॉजिटिव चार्ज, और दूसरे बैटरी का पॉजिटिव चार्ज तीसरे बैटरी के नेगेटिव चार्ज से इस तरीके से लंबी ये जुड़ी रहती हैं। ठीक है, मैनी डिवाइसेज सच एज द टॉर्च, ट्रांजिस्टर, टॉय, टीवी रिमोट कंट्रोल यूज़ बैटरी। जितने भी बहुत सारे डिवाइसेस होते हैं जिसमें टॉर्च शामिल है, ट्रांजिस्टर शामिल है, टॉयस छोटे मोटे खिलौने शामिल है, टीवी रिमोट शामिल है जिसके थ्रू अपन लोग कंट्रोल करते हैं, इन सभी में जो है बैटरी का यूज़ किया जाता है। इन सम ऑफ दिस डिवाइस द इलेक्ट्रिक सेल आर नॉट ऑलवेज प्लेस्ड वन आफ्टर द अदर एस शो इन द फिगर। तो यहाँ बोला गया कि कुछ में क्या है कि सही तरीके से हमेशा के लिए ये हमेशा प्लेस्ड नहीं होते, इनको फिगर के अनुसार शो नहीं किया जाता, फिर भी कुछ कॉम्बिनेशन इसी तरीके से होती हैं। समटाइम्स द सेल्स आर प्लेस्ड साइड बाई साइड, और कुछ टाइम क्या होते हैं जो सेल होते हैं बेटा साइड बाई साइड प्लेस्ड रहते हैं। देन हाउ आर द टर्मिनल ऑफ द सेल कनेक्टेड, फिर आपको कैसे पता चलेगा कि उनके टर्मिनल कैसे कनेक्टेड रहते हैं। लुक एट केयरफुली इन साइड ऑफ द बैटरी कंपार्टमेंट ऑफ एनी डिवाइस, कंपार्टमेंट ऑफ बैटरी कंपार्टमेंट किसी भी डिवाइस का अच्छे से देखिए। देर इज द यूजली अ थिक वायर और अ मेटल स्ट्रिप कनेक्टिंग द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ वन सेल टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द नेक्स्ट सेल। तो अब आप देखेंगे कि उसमें कि कुछ भी स्ट्रिंग्स मोटर रहते हैं, ये थिक वायर्स रहते हैं, उसका पॉजिटिव टर्मिनल जो है दूसरे सेल के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड रहता है, और इस तरीके से इन ऑर्डर टू हेल्प यू टू प्लेस द सेल कनेक्टिंग इन द बैटरी कंपार्टमेंट प्लस एंड माइनस सिंबल आर यूजली टू प्रिंटेड देयर, और इनको प्लस और माइनस सिंबल जो है यूज़ किया जाता है प्रिंटेड के लिए। हाउ कैन वी कनेक्ट द सेल टू प्रिपेयर बैटरी फॉर आवर एक्टिविटी, अपन एक्टिविटी के लिए इन बैटरियों को कनेक्शन किस तरीके से करेंगे। यू मे मेक अ सेल होल्डर, आपको जरूरत पड़ेगी एक सेल होल्डर की, और जिस तरीके से फिगर में शो किया गया है इस तरीके से हम उनको कॉम्बिनेशन लगाएंगे। ठीक है, यस, तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे दो सेल होल्डर के बारे में बताया गया है, जिसमें मैंने एक को अभी कॉपी किया। एक सेल होल्डर का ये है जिसमें दो सेलों को कॉम्बिनेशन बनाया जा सकता है, और दूसरा सेल होल्डर ये है, अनदर टाइप्स ऑफ द सेल होल्डर। तो सेल होल्डर का काम क्या है बेटा, सेल होल्डर का काम है सीक्वेंस पे बैटरियों को आपस में जोड़ना है, सेल को आपस में जोड़ना। ठीक है, दैट द रबर बैंड होल्ड द मेटल स्ट्रिंग टाइटली, और इसमें जो रबर बैंड रहती हैं उन मेटल स्ट्रिंग को बहुत अच्छे से टाइटली होल्ड करके रखती हैं। यू कुड आल्सो बाय सेल होल्डर फ्रॉम द मार्केट फॉर मेकिंग बैटरी ऑफ टू और मोर इलेक्ट्रिक सेल। आपको जब भी कभी इस तरीके से वायरिंग करते हैं या बनाते हैं तब आपको ज़रूरत पड़ेगी सेल होल्डर की, तो आप उसके मार्केट से भी बाय कर सकते हैं, खरीद सकते हैं मार्केट से, और इस तरीके से इलेक्ट्रिक सेलों को आपस में ऐड कर सकते हैं। प्लेस द सेल इन द प्रॉपर्टी सच दैट द पॉजिटिव
terminal of one cell and is connected to the negative terminal of the next cell. Connecting two pieces of the wire each to two metal clip on the cell holder as shown in the figure number U. Battery is ready for the use. अब आपका बैटरी स्टार्ट है यूज करने के लिए. This symbol used to representing a battery in shown number figure number 14.1. Let's now draw a circuit diagram of the electric current using symbol shown in the figure. So, जो ये शो किए गए हैं सिंबल शो किए गए हैं इलेक्ट्रिक डिवाइसों के लिए, तो उनका यूज़ करके चलिए हम एक इलेक्ट्रिक डायग्राम बनाते हैं. उससे पहले एक को आपको ये देख देनी है कि जो बड़े बड़े गाड़ियाँ होती हैं उसमें इस तरीके की बैटरी लगी होती हैं, ट्रक बैटरी एंड कटअप तो इस तरीके से बनी होती है. तो पूजो और पहेवली जानकर के आश्चर्य होती हैं कि जो ट्रैक्टर में बैटरी यूज़ की जाती है, ट्रक में बैटरी यूज़ की जाती है, इन्वर्टर आर आल्सो मेड फ्रॉम द सेल. तो जितने भी ये चीज़ें हैं सब सेलों से मिलकर ही बनी होती हैं. देन वाई इट इज़ कॉल्ड अ बैटरी. सो अब इसको हम लोग बैटरी क्यों कहते हैं. कैन यू हेल्प देम टू फाइंड द आंसर टू दिस क्वेश्चन. क्योंकि जो सेलों के कॉम्बिनेशन उसको अपन लोग बैटरी बोलते हैं, ये अपन लोग जानते हैं. इसके नेक्स्ट वीडियो में अपन लोग डिस्कशन करेंगे एक्टिविटी नंबर 14.1 से. ठीक है, ओके माय डियर फ्रेंड्स, हाउ आर यू बेटा. एक्टिविटी नंबर 14.1 में आपका स्वागत है. चलिए, मेक द इलेक्ट्रिक सर्किट शो इन द फिगर 14.7. जिस तरीके से 14.7 में दिए गए हैं उस तरीके से आपको इलेक्ट्रिक सर्किट शो करनी है. यू यूज अ सिमिलर सर्किट इन अ क्लास 6 टू मेक इलेक्ट्रिक बल्ब ग्लो. तो उसी तरीके से आपको सिमिलर सर्किट तैयार करना है जो आपने क्लास 6 में तैयार किया था और जिससे बल्ब जल रही थी. ओनली वेन द स्विच इज ऑन द ऑन पोजिशन द बल्ब ग्लो एज अ सून एज द स्विच इज मूव्ड टू ऑन पोजिशन. जैसे ही स्विच जो है ऑन पोजिशन पर रहता है तो आपका बल्ब ग्लो करने लगती है. कॉपी दिस इलेक्ट्रिक सर्किट इन योर नोटबुक. आपको इस इलेक्ट्रिक सर्किट को अपने नोटबुक पर कॉपी करनी है. मेक आल्सो सर्किट डायग्राम. और आपको क्या बनानी है, एक सर्किट डायग्राम भी बनानी है ऑफ दिस सर्किट यूजिंग सिंबल फॉर द वेरियस इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट. इन अलग अलग इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स को यूज़ करके एक सर्किट डायग्राम बनानी है और इन सिंबलों का यूज़ करके. इन योर डायग्राम सिमिलर टू द वन शो इन द फिगर नंबर 14.8. इट इज़ मच ईजियर टू ड्रा अ सर्किट डायग्राम यूजिंग सिंबल. ये बहुत ही आसान होता है कि इन डायग्राम को बनाना यूजिंग द सिंबल. देयर फॉर वी जनरली रिप्रेजेंट एन इलेक्ट्रिकल सर्किट बाई इट्स सर्किट डायग्राम. इलेक्ट्रिकल सर्किट रिप्रेजेंट करना सर्किट डायग्राम की मदद से थोड़ा सा ईजी होता है इन सिंबलों की मदद से. फिगर नंबर 14.9 जो है अनदर काइंड के सर्किट को बताया गया है. इसमें आइडेंटिकल टू द सर्किट डायग्राम सो इन द फिगर नंबर 14.8 इन विच वे टू डिफरेंट. और कौन से वे से ही एक दूसरे से अलग है इन दोनों डायग्राम, इसको अपन लोग निगरानी करने की कोशिश करेंगे. वुड द बल्ब ग्लो इन द इलेक्ट्रिकल सर्किट. क्या बल्ब ग्लो करेगा इलेक्ट्रिकल सर्किट में. रिकॉल दैट द बल्ब ग्लो ओनली वैन द स्विच इज ऑन पोजिशन एंड द इलेक्ट्रिकल सर्किट आर क्लोज. क्लोज सर्किट में यदि जो स्विच है वह ऑन पोजिशन पर है तब बल्ब एब्सोल्युटली ग्लो करना चाहिए और ये करेगा ही. जिस तरीके से यहाँ दिखाया गया है 14.7 पे एक इलेक्ट्रिकल सर्किट है और पूरी तरीके से ये कनेक्टेड हैं और यहाँ वायर भी स्विच ऑन के कंडीशन पर है. दैट इज द रीज़न यहाँ बल्ब क्या कर रही है, ग्लो कर रही है. अब इसका मैं यदि मैं इसका यदि मैं डायग्राम बनाना चाहूँ, सर्किट डायग्राम बनाना चाहूँ ऊपर वाले 14.7 का जो शो दिया गया है इसमें इलेक्ट्रिक डायग्राम बनाना चाहूँ तो वो इस तरीके से बनेंगे. ये आपके सामने है, इस तरीके से इसका बनना चाहिए. नोटिस दे आर की और स्विच कैन बी प्लेस्ड एनीवेयर इन द सर्किट. याद कर रखिए कि यहाँ स्विच जो हो रहती हैं उसको सर्किट के किसी भी हिस्से में प्लेस्ड किया जा सकता है. व्हेन द स्विच इज ऑन पोजिशन द सर्किट फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी टू द नेगेटिव टर्मिनल टू इज कंप्लीटेड. जब सर्किट ऑन रहे तब पॉजिटिव टर्मिनल से जो इलेक्ट्रॉन है नेगेटिव टर्मिनल की ओर फ्लो होते हैं और एक्चुअली में अब जाकर के यहाँ क्या हुई है, सर्किट जो है कंप्लीट हुई है. ओके, द सर्किट इज देन सेट टू बी द क्लोज एंड द करंट फ्लो थ्रू आउट द सर्किट इन स्टेट. व्हेन द स्विच इज इन ऑफ पोजिशन द सर्किट इज इनकम्प्लीट. और यदि स्विच जो है ऑफ कंडीशन पे है तो आपकी सर्किट क्या है, कंप्लीट नहीं है. इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है. इन द बल्ब देयर इज थिन वायर कॉल्ड द फिलामेंट. और बल्ब के अंदर जो बहुत बहुत पतली वायर होती है उसको अपन लोग क्या बोलते हैं बेटा, फिलामेंट बोला जाता है. विच ग्लो वैन आ यू ग्लो करता है कब, वैन आ इलेक्ट्रिक करंट पासस थ्रू इट. जब उससे इलेक्ट्रिक करंट पासस होती हैं तब इस तरीके तब यह क्या करता है, ग्लो करता है. वैन द बल्ब गेट फ्यूज इस फिलामेंट इज ब्रोकन. और जब बल्ब फ्यूज जाता है तब यह फिलामेंट टूट जाता है, ब्रोकन हो जाती है. क्वेश्चन कैसे इसका, नेवर टच अ लाइटेड इलेक्ट्रिकल बल्ब कनेक्टेड टू मैंस टू द मैन. इट मे बी वेरी हॉट एंड यूर हैंड मे बी गॉट वर्न बेडली. यहाँ बोला गया है कि जब लाइट जल रही हो और इलेक्ट्रिकल बल्ब ग्लो कर रहा हो तब आपको उस टाइम पे हैंड से टच नहीं करना है. किसको बेटा, बल्ब को टच नहीं करना है. यदि आप ऐसा करते हैं तो आपका हैंड बहुत बैडली तरीके से जल भी सकता है.
डू नॉट एक्सपेरिमेंट विद द इलेक्ट्रिकल सप्लाई फ्रॉम द मेन और द जनरेटर और अ इन्वर्टर. कभी भी इलेक्ट्रिकल सप्लाई हो रही हो तो जनरेटर हो या इन्वर्टर हो, कभी भी मेन को पकड़नी नहीं है, टच नहीं करनी है. यू मे गेट इलेक्ट्रिकल शॉक, और यदि आप ऐसा करते तो आप इलेक्ट्रिकल शॉक के शिकार हो सकते हैं. विच मे बी डेंजरस, और वह बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होगा. यूज़ ओनली इलेक्ट्रिकल सेल फॉर द नेगेटिविटी सजेस्टेड हेयर, और इस तरीके के जो एक्टिविटीज़ यहाँ किए गए हैं उन सब के लिए आपको इलेक्ट्रिक करंट के लिए आपको बैटरी यूज़ करने पड़ेंगे. ठीक है. इन दिस फिलामेंट ऑफ द बल्ब इज ब्रोकन, यदि यह फिलामेंट बल्ब के अंदर टूट जाता है, वुड बी सर्किट भी कम्प्लीटेड, वुड द सर्किट इज कम्प्लीटेड, क्या सर्किट कम्प्लीट है. वुड द बल्ब स्टिल ग्लो, क्या अभी भी बल्ब जलेगा. नहीं, सर्किट कम्प्लीट नहीं, वह इनकम्प्लीट बन चुका है और यहाँ बल्ब नहीं जलेगा क्योंकि क्लोज सर्किट में ही बल्ब ग्लो करती है. यू माइट हैव नोटिस दैट अ ग्लोइंग इलेक्ट्रिकल बल्ब बिकम वार्म, डू यू वाई नो. क्या आपने नोटिस किया होगा कि लंबे समय तक जलते जलते जो इलेक्ट्रिकल बल्ब होती हैं वह गर्म हो जाती हैं, क्यों एंड वाई, आप क्या जानते हैं इसके बारे में. तो इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करेंगे, जिसमें अपन लोग डिस्कस करेंगे हीटिंग के, माय डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास करंट के बारे में. सेवन कैसे बेटा, आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे. एक्टिविटी 14.2 को डिस्कशन करते हैं, क्या दिया गया है इसको देखते हैं. टेक एन इलेक्ट्रिकल सेल ऑफ बल्ब और स्विच एंड कनेक्टिंग वायर्स, आपको इलेक्ट्रिकल सेल लेनी है, बल्ब लेनी है, स्विच लेनी है और वायर्स, कनेक्टिंग वायर्स लेनी है. मेक इलेक्ट्रिकल सर्किट एज शो इन नंबर 14.9. जिस तरीके से 14.9 में ड्राइंग की गई है इन सर्किट, इलेक्ट्रिकल सर्किट को, उसी तरीके से इसमें आप बनाते जाइए. दिस एक्टिविटी हैज़ टू बी डन यूजिंग ओनली वन सेल, और आपको यह एक्टिविटी कंप्लीट करनी है केवल एक ही सेल का यूज़ करके. कीप द स्विच इज ऑफ, और आपको क्या करना है, स्विच को जो है ऑफ की पोजिशन पर रखनी है. डज द बल्ब ग्लो, क्या बल्ब जल रहा है, आंसर आएगा नो. टच द बल्ब, बल्ब को टच करिए. नाउ मूव द इलेक्ट्रिकल स्विच इज ऑन, और उसके बाद जो है आपको इलेक्ट्रिकल स्विच को क्या कर देना, ऑन कर देता है, ऑन के पोजीशन पर कर देना है. एंड लेट्स द बल्ब इज ग्लो फॉर द मिनट और सो, और अब आप देख पा रहे होंगे कि जो बल्ब है भाई मिनट के अंदर, विद इन अ मिनट क्या हो रहा है बेटा, ग्लो कर रहा है. अगेन टच द बल्ब, और दोबारा आपको बल्ब को टच करनी है. डू यू फील एनी डिफरेंसेस, क्या आप कोई डिफरेंसेस देख पा रहे हैं. जब बल्ब ग्लो नहीं कर रहा था उससे पहले जब आपने बल्ब को टच किया था तब, और जब बल्ब ग्लो कर रहा है तब, उसके बाद आपने टच किया तब, यस आप एक चीज़ फील कर रहे हैं, वह हीट, आपको गर्म फील हो रहा है, वार्म फील हो रहा है. ओनली द कंडीशन ऑफ द ऑफ, स्विच इज ऑन और स्विच इज ऑफ. ओके, एक्टिविटी नंबर 14.3 में आते हैं. मेक अ सर्किट एंड शो इन द फिगर नंबर 14.10. टेक अबाउट द 10 सेंटीमीटर लॉन्ग पीस ऑफ द नाइक्रोम वायर एंड इट्स टाइट बिटवीन द नेल्स. आपको क्या करना है बेटा, नाइक्रोम वायर्स लेनी है और उसको दो नेल्स के बीच में, 10 सेंटीमीटर के दो नेल्स के बीच में टाइट लगा देनी है. यू गेट नाइक्रोम वायर्स फ्रॉम द इलेक्ट्रिकल रिपेयर शॉप, इलेक्ट्रिकल रिपेयर शॉप जो रहते हैं वहाँ से आपको इलेक्ट्रिकल नाइक्रोम का वायर ले आना है. यू कैन यूज़ अ पीस ऑफ डिस्कार्डेड कॉयल ऑफ इलेक्ट्रिकल हीटर, इलेक्ट्रिकल हीटर के जो डिस्कार्डेड कॉयल्स रहते हैं उसका भी आप यूज़ कर सकते हैं. टच द वायर, आपको वायर को टच करनी है. Now switch on the current is the circuit by moving the switch to be on position. After a few, इस तरीके से जो इस फिगर में दिखाया गया है, after a few second touch the wire, do not hold it for a long time. आप देखेंगे कि लंबे टाइम तक आप इसको अच्छे से नहीं पकड़ पा रहे हैं. Why? Because switch is off, the current touch the wire again after a few minute. Okay? Now, what is the question, sir, beta? Do not keep the switch is on position on the long time, otherwise the cell may become weak very quickly. लंबे वक्त तक आपको इस बैटरी को या सेल स्विच को ऑन नहीं करनी है. यदि आप ऐसा करते हैं तो ये बैटरी क्या हो जाएगी, बहुत ही वीकली तरीके से जल्दी खत्म हो जाएगी या पावर कम हो जाएगा. द वायर गेट हॉट वेन आ इलेक्ट्रिक करेंट पासिस थ्रू इट, क्या होता है, आपने क्या ऑब्जर्व किया बेटा, जो वायर जो हमने यूज़ किया था वह हॉट हो गई है क्योंकि वहाँ से इलेक्ट्रिकल करंट क्या हो रहे हैं, पासिस हो रहे हैं. दिस इज़ द हीटिंग इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिकल करंट, और यही इफेक्ट क्या कहलाती है, हीटिंग इफेक्ट कहलाती है किसका, इलेक्ट्रिकल करंट का. कैन यू थिंक ऑफ एनी इलेक्ट्रिकल एप्लीकेशन वेयर द हीटिंग ऑब्जेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट इज़ यूज, वेयर द हीटिंग इफेक्ट, क्या आप ये इफेक्ट कहाँ यूज़ होता है या कहाँ देखने को मिलती है जब आप लोग इलेक्ट्रिक करंट का यूज़ करते हैं. मेक अ लिस्ट सच ए एप्लीकेशन, आपको इस तरीके की एक लिस्ट बनानी है जिसमें आप लोग वार्म फील करते हो ये अलग अलग एप्लीकेशन पे. यू माइट हैव सीन द इलेक्ट्रिकल रूम हीटर और इलेक्ट्रिकल हीटर यूज्ड फॉर द कुकिंग, आपने बहुत सारे टाइम
रूम हीटर के बारे में नाम सुने होंगे, इलेक्ट्रिकल रूम हीटर मिलते हैं, इलेक्ट्रिकल हीटर मिलते हैं जो इसका यूज़ अपन लोग खाना बनाने में कुकिंग के लिए करते हैं। ऑल दिस कंटेन अ कॉइल ऑफ वायर, और जितने भी ये चीज़ें हैं वो सब किससे, कॉइल ऑफ वायर से कंटेन रहते हैं। दिस कॉइल ऑफ वायर इज कॉल्ड द एलिमेंट, और इसी कॉइल ऑफ वाटर वायर को ही क्या बोलते हैं बेटा, एलिमेंट बोली जाती हैं। यू मे हैव नोटिस दैट व्हेन द सी एप्लीकेशन आर स्विच ऑन, और आपने ये नोटिस किया होगा कि जितने भी एप्लीकेशन है ये स्विच ऑन रहते हैं तब किस कंडीशन पे रहते हैं, उसके पहले हमें अराउंड द ब्लू डार्क ब्रैकेट में देख लेते हैं क्या बूझ कुड नॉट वी सी एलिमेंट इन इलेक्ट्रिकल आयरन। जो इलेक्ट्रिकल आयरन होते हैं वहाँ कभी भी जो बूझ है वह नहीं देखी है। पहले टोल्ड हिम दैट इलेक्ट्रिकल एप्लीकेशन सच एज द इमर्जन हीटर, हॉट प्लेट, आयरन, गैसर, इलेक्ट्रिकल केटल, हेयर ड्रायर, इलेक्ट्रिकल इनसाइड देम, यू हैव सीन एलिमेंट इन एनी एप्लीकेशन, क्या आपने इसके अंदर एलिमेंट देखे हैं ऐसे? नो। तो वो क्या मैं ऐसे सोच रही है उसके बारे में देखते हैं। आफ्टर कनेक्टिंग टू द इलेक्ट्रिकल सप्लाई देयर एलिमेंट बिकम रेड हॉट एंड गिव आवर हीट, क्या बोला गया है कि जैसे आप इलेक्ट्रिकल सप्लाई स्टार्ट करते हो या ऑन करते हो आपके एलिमेंट जो है कैसे हो जाते हैं, रेड हो जाते हैं। अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस इन अ वायर डिपेंडेंट ऑन इट्स मटेरियल, जो जितना भी जो हीट प्रोड्यूस होता है इन वायरों के द्वारा वो उस पर डिपेंड करता है कि मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है, लेंथ एंड थिकनेस पर डिपेंड करता है। दस द डिफरेंट रिक्वायरमेंट द वायरस ऑफ डिफरेंट मटेरियल एंड डिफरेंट लेंथ एंड थिकनेस आर यूज, इसी वजह से जो है अलग अलग मटेरियल यूज़ किए जाते हैं रिक्वायरमेंट के हिसाब से, अलग अलग लेंथ वाले और थिकनेस वाले यूज किए जाते हैं। द वायर्स यूज्ड फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिकल सर्किट डू नॉट नॉर्मली बिकम हॉट, जो वायर्स यूज किए जाते हैं इलेक्ट्रिकल सर्किट को कंप्लीट करने के लिए वो नॉर्मली हॉट नहीं होते। ऑन द अदर हैंड द एलिमेंट ऑफ द सम इलेक्ट्रिकल अप्लाई बिकम सो हॉट दैट्स आर इजिली विजुअल द फिलामेंट, इस और कुछ जो है यदि वायर को छोड़ करके मैं कुछ बात करूँ जिसमें शामिल हैं इलेक्ट्रिकल नाइक्रोम वायर्स और नाइक्रोम वायरस कॉइल्स वायर, तो ये विजुअल होते हैं फिलामेंट की वजह से। ओके उससे पहले आपको इनको देख लेना है, इंसुकेंडेसेंट इलेक्ट्रिक बल्ब, क्या बोला गया है, इनकेंडेसेंट इलेक्ट्रिकल बल्ब, आई ई बी आफ्टर आफ्टर यूज लाइटिंग बट दे आल्सो गिवन हीट, ये भी यूज़ किए जाते हैं लाइटिंग के लिए, बाकी ये भी क्या करते हैं हीट जनरेट करते हैं। इट मे द पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रिकल कंज्यूम्ड इज यूज इन द प्रोड्यूसिंग हीट, दिस इज नॉट द डिजायरेबल, इट इज रिजल्ट इन द वेस्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल, द फ्लोरोसेंट ट्यूब लाइट एंड द कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैम्प। आप पुराने ज़माने में जो वाइट बल्ब होती थी उसको क्या बोला जाता था बेटा, CFL बोला जाता था, और इस CFL का फुल फॉर्म क्या है, कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैम्प, आर बेटर इलेक्ट्रिसिटी और बेटर इलेक्ट्रिसिटी एफिशियंट लाइटिंग सोर्स। नाउ डेज द यूज़ ऑफ इलेक्ट्रिकल एमिटॉइड LED, तो अपन लोग जो यूज़ करते हैं अभी जो ज़माने में तो वो क्या है, LED, what is the फुल फॉर्म ऑफ LED, लाइट एमिटिंग डायोड, क्या बोलते हैं, लाइट एमिटिंग डायोड। बल्ब इज द इंक्रीज फॉर प्रोड्यूसिंग अ गिवन एक्सटेंसी ऑफ लाइट, LED बल्ब कंज्यूम लेस इलेक्ट्रिसिटी आर कंपेयर टू द इनकैंडेसेंट बल्ब और फ्लोरोसेंट ट्यूब। जो LED होते हैं बेटा वह CFL के कंपेरिजन में बहुत कम इलेक्ट्रिसिटी गेन करते हैं, कंज्यूम करते हैं और अच्छा रिजल्ट देने की कोशिश करते हैं। लेट्स अस दैस द LED बल्ब आर मच इलेक्ट्रिकल एफिशियंट एंड देयर फॉर यूजिंग द प्रिपेयर्ड, इट इज एडवाइज टू यूज इलेक्ट्रिकल एप्लीकेशन एंड गैजेट विच आर द इलेक्ट्रिसिटी एफिशियंट। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड न्यू दिल्ली असाइन द स्टैंडर्ड मार्क ऑन द प्रोड्यूशन कॉल्ड द एस, ये देखिए यहाँ बोला गया है स्टैंडर्ड मार्क इन प्रोड्यूशन पे लगाता है जिसको बोला जाता है SIS मार्क, विच इज़ द एश्योरेंस कंपार्टमेंटेड टू द स्पेसिफिकेशन गिवन एज द प्रोडक्ट, इट इज़ देयर फॉर सजेस्टेड टू द SIS मार्क प्रोडक्ट, इसी वजह से वो लोग सजेशन देते हैं कि आप जो है SISI वाले जो मार्क हैं उन बल्बों को ही खरीदें। फ्लोरोसेंट बल्ब एंड द CFL कंटेन मर्करी वेपर, जो फ्लोरोसेंट लैम्प होते हैं और CFL जिसको बोला जाता है ये मर्करी वेपर को कंटेन कर रखते हैं जो कि टॉक्सिक होता है नेचर का, देयर फॉर डैमेज फ्लोरोसेंट ट्यूब आर CFL नीडेड टू बी डिस्पोजल ऑफ सेफली, इसी वजह से बोला जाता है कि इनको जैसे ही बल्ब डिफ्यूज़ हों या फ्यूज़ हों तो इनको एक अच्छे जगह पर क्या करनी चाहिए, डिस्पोज करनी चाहिए। अब आप देख पा रहे हैं फ्यूज़ यूज ना बिल्डिंग्स में इन फ्यूज़ का यूज़ किया जाता है, आप यहाँ देख पा रहे होंगे दूसरा फ्यूज इस तरीके से यूज़ किए जाते हैं, ठीक है, तो कुछ यूजेस हैं इसके। चलिए
अपन लोग जाते हैं, एन इलेक्ट्रिकल बल्ब गेट हीटेड टू सच ए हीट टेम्परेचर दैट इज स्टार्टेड ग्लोइंग। जैसे ही बल्ब ग्लोइंग करने स्टार्ट करता है तो ये टेम्परेचर हीट जनरेट होने लगती है। इफ़ अ लार्ज करंट पासस थ्रू अ वायर द वायर में बिकम एज हॉट दैट इज मे इवन मेल्ट एंड द ब्रेक। क्या बोला जाता है कि हाई करंट की वजह से कुछ वायर्स जो रहती हैं वह गर्म हो जाती हैं और इसी गर्म की वजह से कभी कल वो मेल्ट होकर के टूट भी जाती हैं। बट इट पॉसिबल फॉर अ वायर टू मेल्ट एंड ब्रेक, लेट्स अस चेक इट आउट। ओके, चलिए 14 पॉइंट कैसे हो बच्चों, आई होप कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे। अपन लोग नेक्स्ट वीडियो में हैं और इसमें अपन लोग एक्टिविटी 14.4 पर डिस्कशन करने वाले हैं। मेक द सर्किट वी यूज्ड इन द एक्टिविटी 14.3। आपको एक सर्किट यूज़ करनी है, जो सर्किट हमने 14.3 में यूज़ किया था उसी को। रिकॉल द सेल विथ बैटरी ऑफ योर फोर सेलों की एक बैटरी तैयार करनी है। आल्सो इन प्लेस ऑफ द नाइक्रोम वायर टाइट इन थिन स्टैंडर्ड ऑफ द स्टील वुल। स्टील वुल के थिन स्टैंडर्ड में आपको नाइक्रोम वायर को टाइट करनी है। द स्टील वुल इज द कॉमनली यूज फॉर द क्लीनिंग यूटेंसिल एंड इट्स अवेलेबल इन द ग्रोसरी शॉप में ये क्लीनिंग यूटेंसिल जो है मिल जाएगा। इसी को आप अवेलेबल करिए और इसी से ही आपको एक्सपेरिमेंट करनी है। इफ़ देयर आर एनी फैन इन द रूम स्विच देम ऑफ। सबसे पहले जो अभी आपके रूम में कोई फैन है तो उसको स्विच ऑफ कर दीजिए। नाउ पासस द करंट थ्रू द सर्किट फॉर सम टाइम। आपको क्या करना है, जो सर्किट्स के थ्रू जो है पासस करनी है करंट को। ऑब्जर्व द स्ट्रेन ऑफ स्टील वुल केयरफुली। Not what happened. Does the strand of steel wool melt and break? क्या वो होंगे यदि आप ऐसा कर किए हैं तो थोड़ी देर बाद जब आप देखते हैं तो स्ट्रैंड होती है स्टील वुल का, भाई क्या हो जाती है, मेल्ट हो जाती है और टूट जाता है। क्या टूट गया, मेल्ट हुआ और टूट गया क्या? वायर्स मेड फ्रॉम सम स्पेसिफिक मटेरियल मेल्ट क्विकली एंड ब्रेक व्हेन लार्ज इलेक्ट्रिकल करंट आर प्रोसेस थ्रू देम। यहाँ बोला गया है कि जो वायर्स होते हैं बेटा वो ऐसे सम स्पेशल मटेरियल्स के बनाए जाते हैं, ये मेटल के बनाए जाते हैं, जो क्विकली क्या हो जाए, मेल्ट हो जाए और ब्रेक होकर टूट जाए यदि उसमें हायर करंट ये क्या हो पासिस हो तब। दीज वायर आर यूज फॉर द मेकिंग इलेक्ट्रिकल फ्यूज़। और इसी वायरों का यूज़ किया जाता है किसमें, इलेक्ट्रिक फ्यूज़ के लिए इन्हीं वायरों का यूज़ किया जाता है। जैसे कि इसमें लगे हुए होंगे तो इलेक्ट्रिकल वायर्स का यूज़ किया जाता है, सच एज कॉपर वायर्स यूज़ किए जाते हैं। बिल्डिंग फ्यूज़ आर द इंसर्टेड इन ऑल इलेक्ट्रिकल सर्किट। जो बिल्डिंग फ्यूज होते हैं वो ज़्यादातर सभी इलेक्ट्रिकल सर्किट के में यूज़ किए जाते हैं। देयर इज़ द मैक्सिमम लिमिट ऑन द करंट विच कैन सेफली फ्लो थ्रू अ सर्किट। इफ बाई इंसिडेंट द करंट एक्सटेंड दिस सेफ लिमिट द वायर मे बिकम ओवर हेडेड एंड मे कॉज फायर। इफ़ अ प्रॉपर फ्यूज इज देयर इज नो सर इन द सर्किट वी इट विच ब्लो ऑफ एंड द ब्रेक द सर्किट आर फ्यूज इज दस अ सेफली डिवाइस विच आर प्रिवेंट फ्रॉम द करेंट डिफरेंट काइंड ऑफ द डेंजरस सिचुएशन। इसके अंदर वाले चीज़ें देख लेते हैं। नोशन में क्या दिया हुआ, नेवर ट्राई टू इन्वेस्टिगेट एन इलेक्ट्रिकल फ्यूज कनेक्टेड टू मेन सर्किट ऑन यूर ऑन। मे यू हाउ एवर विजिट एन इलेक्ट्रिकल रिपेयर शॉप एंड कंपेयर द बर्न आउट फ्यूज विद द न्यू वन। यहाँ बोला गया है कि कभी भी ज़्यादातर ऐसे यूज़ मत करिए कि आप खुद से उसको रिप्लेस करें, आप इलेक्ट्रिकल शॉप के पास वाले दुकान में जाइए और उनसे उसको बनवाइए। वन रीज़न फॉर द एक्सेसिव करंट इन कर इलेक्ट्रिकल सर्किट इज़ द डायरेक्ट टचिंग ऑफ वायर। उसमें से एक रीज़न क्या है, इलेक्ट्रिकल सर्किट में इफेक्टेड डायरेक्ट टचिंग ऑफ वायर। दिस मे बी हैपन इफ द इंसुलेशन ऑन द वायर हैज कम ऑफ ड्यू टू वियर एंड टियर। दिस मे बी कॉज शॉर्ट सर्किट। अनदर रीज़न फॉर द एक्सेसिव करंट कैन बी द कनेक्शन ऑफ मेनी डिवाइस टू अ सिंगल सॉकेट। तो इस तरीके से आपको इन चीज़ों में ध्यान रखनी है। अब आप यहाँ देख पा रहे होंगे इसको बोला जाता है एमसीबी। आपके घरों में आपने देखा होगा, इस एमसीबी का फुल नाम क्या है बेटा, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। क्या बोलते हैं, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। दीज डे मिनिएचर सर्किट ब्रेकर यानी कि MCB आर इंटेंसली बींग यूज इन द प्लेस ऑफ द फ्यूज। और फ्यूज के जगह पर इन सर्किटों का यूज़ आजकल चलन में है। दीज आर स्विच विच ऑटोमेटिकली टर्न ऑफ वैन द करंट इन अ सर्किट एक्सीड द सेफ लिमिट। जो सेफ लिमिट से यदि ज़्यादा इसमें इलेक्ट्रिक करंट बहता है तो ऑटोमेटिकली ये क्या हो जाती है, स्विच ऑफ हो जाती हैं। तो इसी तरीके के MCB आजकल यूज़ किए जाते हैं। यू टर्न देम ऑन एंड
circuit is once again complete. Look as a SIS mark on MCB also. आपको भी SIS mark जो है MCB में देखनी है. Different question पढ़ते हैं. Always use a proper fuse which have been supplied for a particular application carrying SIS mark. Never just use wire or string metal in a place of fused. कभी भी किसी भी चीज़ के metal का आसानी से use नहीं कर देना है इन fuses में, क्योंकि इनका fuse में जो use किए जाते हैं वो extra होते हैं और कुछ अलग से होते हैं. ठीक है. Prevent damage to electrical circuit and possible फ्यूज आर डिफरेंट काइंड आर यूज फॉर द डिफरेंट पर्पज. जो फ्यूज होते हैं वो अलग अलग यूज़ किए जाते हैं अलग अलग कामों के लिए. फिगर नंबर 14.14. सो फ्यूज यूज इन आवर हाउस फ्यूज सो इन द जनरली यूज इलेक्ट्रिकल पर्पज. जो फ्यूज यूज़ किए जाते हैं उसमें से एक दिखाया गया है यहाँ, और ज़्यादातर फ्यूज़ किसके लिए? इलेक्ट्रिकल पर्पज़ के लिए अपने घरों में अलग अलग यूज़ किए जाते हैं. वी ऑब्जर्व द हीटिंग इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिकल करेंट एंड लर्न हाउ वी यूज इट्स आवर एडवांटेज. Does the electrical current have other effect also? क्या electrical current के कुछ और effect हैं? तो अपन लोग इसके बारे में discussion करने हैं. Magnetic effect of electrical current. अब इसके ये major topic है कि magnetic effect किस तरीके से electric current को depend करते हैं, electric current की वजह से किस तरीके से magnetic behavior show होते हैं. ठीक है. Take a cardboard tray from inside a discard matchbox, drop electric wires few times around the cardboard tray. Place the small compass needle inside it. Now connect to the free ended of this wire to an electrical cell through a switch and show in the figure number 14.17. Note the direction in which the compass needle is pointed. Brings a bar magnet near the compass needle. Observe that what happen. देखिए यहाँ एक तरीके से बोली गई है कि मैग्नेटिक करेंट जो है, सॉरी जो इलेक्ट्रिक करंट है वह किस तरीके से मैग्नेटिक बिहेवियर को इफेक्ट करता है, मैग्नेटिक बिहेवियर लाने की कोशिश करता है. तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेंगे बेटा? इसके लिए आपको इलेक्ट्रिकल करंट सप्लाई करना पड़ेगा, और उस इलेक्ट्रिकल सप्लाई में आपको इलेक्ट्रिकल सप्लाई होने की वजह से जो है हमेशा क्या होती हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टी से मैग्नेटिक बिहेवियर शो होती हैं या निकलती हैं, देखने को मिलती हैं. ठीक है. चलिए दो पेजेस बचे हैं, मतलब इसको कंप्लीट कर सकते हैं. व्हाट डू यू ऑब्जर्व डज द कंपास नीडल डिफ्लेक्ट. आप क्या ऑब्जर्व करते हैं जब कंपास नीडल डिफ्लेक्ट होता है तब? मूव द स्विच बैक टू द ऑफ पोजीशन. डज द कंपास नीडल कम बैक इट्स इनिशियल पोजीशन. आप देखेंगे कि जैसे ही स्विच को ऑफ कर देते हो आपका जो कंपास बॉक्स का नीडल है वह दोबारा अपने इनिशियल कंडीशन पर आ जाता है. We know that the needle of the compass is tiny magnet. हमें जानते हैं कि जो compass में जो needle है तो वह tiny magnet की तरह behave करता है. Which point in the north south direction, जो क्या करता है बेटा? North और south direction को pointed करता है, क्योंकि हमें पता है magnet जो हमेशा मैं south और north direction पे ही हमेशा मिल आती हैं, जब कभी उनको freely या छोड़ दिया जाए तब. The needle get deflected. जो needle है वह get हो जाती है, deflected हो जाती है. We have also seen that the compass needle get deflected when the current flow in the nearby wire. पास वाली वायर में जैसे ही करंट दौड़ता है या बहता है तब वह कंपास की जो needle है वह deflect होती है. Can you connect the two observation? क्या आप दो observation को अलग अलग connect कर सकते हैं? When the current flow through a wire, does the wire behave like a magnet? यहाँ बोला गया है कि जब कभी भी वायर्स में इलेक्ट्रिसिटी बहती है तब ये जो पास वाला नीडल है वह एक एज अ मैग्नेटिक बिहेव करता है. दिस इज व्हाट अ साइंटिस्ट कॉल्ड हैंस क्रिस्टन और स्नॉटेड. और इन्हीं जो इस तरीके से जो बिहेवियर बताया मैग्नेटिक बिहेवियर को जिन्होंने बताया उस साइंटिस्ट का नाम है हैंस क्रिस्टन एरस्टेडेड आल्सो वॉन्डर. ही वॉज द फर्स्ट पर्सन वो नोटिस द डिफ्लेक्शन ऑफ द कंपास नीडल. और उन्होंने फर्स्ट साइंटिस्ट थे जिन्होंने कंपास नीडल पे इस तरीके की डिफ्लेक्शन को देखा. एवरी टाइम फॉर द करेंट वॉज द पासिस थ्रू द वायर. शो वैन इलेक्ट्रिकल करेंट पासिस थ्रू अ वायर इट्स बिहेव लाइक अ मैगनेट. जब कभी भी जो इलेक्ट्रिक करेंट है पासिस होती है वायर से तो वायर कैसा बिहेव करती बेटा? एज अ मैग्नेट, मतलब वो खींचती है चीज़ों को. दिस इज़ द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिकल करंट. और इसी को क्या बोला जाता है? मैग्नेटिक करंट ऑफ इलेक्ट्रिकल इफेक्ट बोला जाता है. तो आप जो है कभी कभी पूछा जाता है मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट का, तो आप यहाँ तक इसको लिख सकते हैं यहाँ तक. ठीक है. In fact, an electrical current can be used to make magnet. तब तो इसका समझ में आता होगा कि electrical current का use जो है electric magnet बनाने के लिए किया जाता हो. Do you find two or spring?
लेट्स अस ट्राई आउट, आपको कभी मिला तो इस तरीके से आप इसको देख सकते हैं, जिसमें जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताया गया है। रिमेंबर नॉट टू स्विच ऑन दस करेंटली फॉर मोर देन अ फ्यू सेकेंड एट अ टाइम, बहुत लंबे समय तक आपको स्विच ऑन करके नहीं रखनी है इस इन एक्टिविटियों को करने के लिए लंबे वक्त तक। द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वीक्स द सेल क्विकली इफ लेफ्ट कनेक्टेड, ये जो है इसकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की वजह से जो है सेल होते हैं वह बहुत ही जल्दी क्या हो जाते हैं बेटा, डिस्चार्ज हो जाते हैं। आपका नेक्स्ट वीडियो में स्वागत है बेटा, नेक्स्ट क्लास से पढ़ेंगे। आज हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के बारे में समझने वाले हैं और इस सेशन पे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक को ही लेते हैं। क्या मतलब इसका, टेक अराउंड 75 सेंटीमीटर लॉन्ग पीस ऑफ द इंसुलेटेड प्लास्टिक और क्लोथ कवर ऑफ द एनेमलेटेड, यहाँ बोला गया है कि आपको 75 सेंटीमीटर एक लॉन्ग पीस लेनी है जो किसका हो बेटा, मेटल का ना हो, वो नॉन कंडक्टर की तरह हो। अब मैं थोड़ा सा इसमें आपको जिक्र कर देता हूँ कंडक्टर और नॉन कंडक्टर का। तो कंडक्टर एक ऐसी चीज़ होती है जिसके थ्रू जो है इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है, और नॉन कंडक्टर एक ऐसी चीज़ होती है जिसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पासेस नहीं हो पाती। तो ऐसा चीज़ें आपको लेनी है 75 सेंटीमीटर का। फ्लेक्सिबल वायर एंड आयरन नील्स सी अबाउट 60-10 सेंटीमीटर लॉन्ग, वाइंड द वायर टाइटली अराउंड द नेल इन द फॉर्म ऑफ कॉयल, और इन द फॉर्म ऑफ कॉयल में इन वायरों को क्या कर देना है, नेल के चारों ओर कस देनी है। कनेक्ट द फ्री एंडेड ऑफ द वायर टू द टर्मिनल ऑफ द सेल, देयर इज अ स्विच इज स्विच्ड सो इन द फिगर नंबर 14.9, और आपको इस तरीके से एक कनेक्ट कर करके और एक लंबी सी फिगर बना देनी है या फिगर शो कर देनी है। प्लेस सम पिन्स ऑन अ नियर द एंड ऑफ द स्नेल, आपको क्या करना है कुछ पिन को पास में रख देनी है उस नेल के अंदर के। नाउ स्विच ऑन एज करंट व्हाट हैपन, जैसे ही आप स्विच करते हैं करंट को क्या होता है आप देख पा रहे हैं कुछ, डू द पिन्स क्लाइनिंग टू द टिप ऑफ द नेल, क्या होता है जो नेल का टिप है उसकी और क्या होते हैं स्नेल जो छोटे छोटे पिन से वह खींचे चले जाते हैं। वैन द स्विच इज ऑफ करंटली आर करंट आर द पिन्स स्टिल clinging to the end of the snail, the coil in the above activity behave like a magnet, what electrical current flow through it, जैसे electrical जो current था flow हो रहा था तो किस को ऊपर जो है जो coil है वह कैसे behave कर रहे थे बेटा, as a magnet. तो when the electrical current is the switch off, the coil generally loses its magnetism, और जैसे ही electrical current जब बंद कर दी जाती हैं तो जो coil है वह अपना magnetism के जो behavior है उसको क्या कर देती है बेटा, loss कर देती है, और इसी कॉयल के जो बिहेवियर है इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बोला जाता है। मतलब क्या बोला गया, यदि आपसे पूछा जाए तो आप क्या बोलोगे, यहाँ से आप लिखेंगे वैन यहाँ से लेकर के यहाँ तक, किसका डेफिनेशन है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का डेफिनेशन है, आप यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको कंप्लीट करेंगे। द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैन बी मेड वेरी स्ट्रॉन्ग एंड कैन बी लिफ्टेड वेरी हैवी लोडेड, और इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का यूज़ जो है बहुत लिफ्ट को हैवी लोडेड को उठाने के लिए किया जाता है। डू यू रिमेंबर द क्रेन अबाउट विच यू रीड इन चैप्टर नंबर 13 ऑफ क्लास 6, क्या आपने क्रेन के बारे में कभी पढ़ी हैं, जो पढ़े होंगे मेरे ख्याल से चैप्टर नंबर 13 क्लास 6 के, तो उसमें उनके चार्ज बारे में बताया गया था। द एंड ऑफ द सच ए क्रेन हैज़ अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अटैच टू द इट, क्या बोला जाता है, इन क्रेनों में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अटैच रहती है। द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक आर आल्सो यूज टू सेपरेट मैग्नेटिक मटेरियल फ्रॉम द जंक, तो जंक से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक भी जो प्रोडक्ट रहते हैं उनको अलग करने के लिए भी, सेपरेट करने के लिए भी इनका यूज़ किया जाता है। डॉक्टर यूज अ टीनी इलेक्ट्रोमैग्नेट टू टेक आउट स्मॉल पीसेस ऑफ द मैग्नेटिक मटेरियल द हैव इंसिडेंटियल फॉलन इन, जब कभी भी एक्सीडेंट वाला केस होता है तो जो डॉक्टर रहते हैं वो लोग भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बिहेवियर के लिए छोटे डिवाइसों का यूज़ करते हैं ताकि जो आयरन वाले कुछ चीज़ें हों या मेटेलिक मटेरियल्स हों वो क्या कहो चिपक जाए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की वजह से। द आई मैनी टॉयस आल्सो हैव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इनसाइड देम, ओके तो आप आंकी की चीज़ें अपन लोग नेक्स्ट पीरियड में अपन लोग चैप्टर पे हैं जिसमें अपन लोग टॉपिक पर हैं, और आप आज हम डिस्कशन करने वाले हैं बच्चों इलेक्ट्रिकल बेल के बारे में। तो आपने इलेक्ट्रिकल बेल के बारे में तो सुना ही होगा कि एक जगह से हमने बटन दबाया दूसरी जगह अलार्म बजना स्टार्ट हो जाता है। गुड, बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं। तो ये आपके सामने जो फिगर दिखाई दे रही है ये इलेक्ट्रिकल बल्ब का ही फिगर है, ये तो आप देख पा रहे होंगे इलेक्ट्रिकल बल्ब का फिगर, आई थिंक हाँ। वी आर क्वाइटली फेमिलियर विद द इलेक्ट्रिकल बेल, इट इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन इट लेट्स अस सी हाउ इट वर्क, जो इलेक्ट्रिकल बेल होते हैं वह किस तरीके से बनी होती हैं और इनके वर्ड जो है हम अक्सर सुनते रहते हैं तो ये काम कैसे करता है इसके बारे में चलिए देखते हैं।
फिगर नंबर सबसे पहले 14.20 को अच्छे से देखिए. सो इन द सर्किट ऑफ द इलेक्ट्रिकल बेल इट्स कॉन्सिस्ट ऑफ कॉयल और वायर कुड ऑन आ आयरन पीसेस. ये जो है किससे शामिल रहता है बेटा, कॉयल रहती है वायर की, वुड ऑन आ आयरन पीसेस. द कॉयल एक्ट एज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, जो कॉयल है वह एज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बिहेव करता है. एन आयरन स्ट्रिंग विद अ हमर एट वन एंड आ कैप्ट क्लोज टू द इलेक्ट्रोमैग्नेट, और जो है इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पास में लगी रहती हैं उस हमर के पास में. देयर इज अ कॉन्टैक्ट स्क्रीन नियर द आयरन स्ट्रिप, और आयरन स्ट्रिप के पास जो कॉन्टैक्ट में लगी रहती हैं. व्हेन द आयरन स्ट्रिंग इज कॉन्टैक्ट विद द स्क्री, जैसे ही आयरन स्ट्रिप जो है कॉन्टैक्ट में आता है किसके, स्क्री की, द करंट फ्लो थ्रू द कॉयल विच बिकम अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, और उस कॉयल से जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो करंट है वह फ्लो होती है वह किस तरीके से बिहेव करने लगता है बेटा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की तरह बिहेव करने लगता है. इट इज़ देन पुल द आयरन स्ट्रिंग, और इसी वजह से वह क्या करता है आयरन स्ट्रिंग को पुल करता है. इन दिस प्रोसेस द हमर एट द एंड ऑफ द स्ट्रिंग स्ट्राइक द गॉन ऑफ द बेल टू प्रोड्यूस अ साउंड, और इसी वजह से जो है जैसे ही आयरन स्ट्रिंग जो है पुल करने लगता है, इस प्रोसेस में हमर जो है हमर एट द एंड ऑफ द स्ट्रिंग स्ट्राइक करने लगता है, गॉन करने लगती है और साउंड को प्रोड्यूस करने लगता है. However, when the electromagnetic pull the iron stream, जब कभी भी when जो electromagnetic pull करता है iron stream को, it's also break the circuit, और ये क्या करते हैं circuit को भी break करती है. The current through the coil stop flowing, और जो current है वह coil से flowing करना बंद कर देता है. Will the coil remain in the electromagnetic? Okay? The coil is no longer in electromagnetic, जो coil है वह लंबे वक्त तक electromagnetic की तरह behave नहीं करता. It is no longer attract the iron strip, और लंबे समय तक ये attract में नहीं रहता iron strip के. The iron strip come back to the originally position and the touch the contact strip again, और क्या बोलता है वह दोबारा जब जैसे स्विच ऑफ होती तो वह दोबारा अपनी इसलिए कंडीशन पे आ जाता है और अब वह उसके कॉन्टैक्ट में नहीं है. This complete our the circuit, the current flow in the coil and the hammer strike the gong again. This process is repeated is quickly succession. The hammer strike the going very time. The circuit is complete. This is how the bell rings. और इस process के वजह से ही क्या होती है जो bell है वह बजती है. तो अपन लोग जो है इसमें keyboard की तरह देखेंगे, और keyboard में आप क्या क्या चीज़ें लिखोगे, battery क्या है, circuit diagram आप बना सकते हैं जैसे कि उसमें जो बनाया गया है circuit diagram, जैसे जिसमें symbol use किए गए हैं, वायर्स के लिए लाइन यूज़ किए गए हैं तो उसको आप देख सकते हैं. इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स में क्या क्या शामिल है, इलेक्ट्रिकल जब हम सर्किट बनाते हैं तो हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, तो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स में आ जाएंगे. इलेक्ट्रिकल बेल क्या है थोड़ी देर पहले हमने पढ़ी. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बिहेवियर क्या है, मैग्नेटिक बिहेवियर का किसी भी ऑब्जेक्ट में आ जाने की प्रॉपर्टीज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रॉपर्टीज कहलाता है. फ्यूज़ क्या है, फ्यूज़ एक ऐसी वायर है जो हमें हायर वोल्टेज करंट से सेफ रखती है हमारे इलेक्ट्रिकल सर्किट को. हीटिंग इफेक्ट ऑफ द करंट क्या है, जब आप कभी भी जो करंट है वह कॉइल से होकर के गुजरती है तो वह हीट जनरेट करती है. ओके, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ द करंट क्या है, मैग्नेटिक इफेक्ट जब कभी भी किसी वायर से करंट फ्लो होती है तो वह मैग्नेटिक बिहेवियर शो करती है, तो इसको हम मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ द करंट कहते हैं. ओके, उसके बाद अपन लोग नेक्स्ट चैप्टर में चले जाएंगे और अपन लोग इसके क्वेश्चन आंसर को देख लेंगे. तब तक आप सब सलामत रहिए, थैंक यू. For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.